नमस्कार दोस्तों, क्या कहता है पक्षी तंत्र अगर शनिवार को उल्लू दिख जाता है तो? मुझसे बहुत से लोगों ने ये प्रश्न किया है कि हमें शनिवार को उल्लू दिख गया है तो उसका क्या मतलब है। देखिए, किसी वहम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं इसके बारे में पक्षी तंत्र में जो लिखा है वो आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें। देखिए, पक्षी तंत्र में साफ साफ लिखा है, उल्लू अगर आपको अमावस्या की रात को, ध्यान दीजिएगा, अमावस्या की रात को दिखता है तो ये शुभ है, और अमावस्या की रात से पहले दिखता है, पहले के 13-14-15 दिन जो भी हैं, पूर्णमासी के बाद से लेकर अमावस्या तक के जो ये बीच के 15-14 दिन आते हैं, इसमें अगर आपको उल्लू दिख जाता है तो ये शुभ है। इसके बीच में अगर शनिवार भी आता है तब भी ये शुभ है, लेकिन अमावस्या के बाद के अगले दिन से लेकर पूर्णिमा तक के बीच में जो 14-15 दिन आ रहे हैं, इनमें अगर आपको उल्लू दिखता है तो ये शुभ नहीं है, पर कहीं कोई अनिष्ट भी नहीं है। और मान लीजिए अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के बीच के दिनों में जो शनिवार आता है, इसमें अगर आपको उल्लू दिखता है तो यहाँ पर आपको एक क्लिक करना है, नोट कीजिए, यहाँ पर आपको अगर उल्लू दिखता है तो ये आपके लिए ज़रा शुभ नहीं है, यहाँ आपको नुकसान के आसार बता रहा है पक्षी तंत्र। तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी देखनी करनी पड़ेगी कि अगर नुकसान हो सकता है तो तब, वरना शनिवार को दिखने वाला उल्लू किसी तरह का कोई नुकसान नहीं लेकर आता है। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।